मथुरा में महाविद्या कॉलोनी स्थित रामलीला मैदान में श्री रामलीला सभा द्वारा 14 करोड़ रुपए की लागत से भव्य अतिथि भवन तैयार किया जा रहा है, जो कि जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। मथुरा में श्री रामलीला सभा द्वारा लंबे समय से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला सभा की कार्यकारिणी और सदस्यों द्वारा जनहित की दृष्टि से चित्रकूट आश्रम सहित अन्य कई प्रकल्प जनसेवा के उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में श्री रामलीला सभा द्वारा महाविद्या स्थित विशाल रामलीला मैदान में एक भव्य अतिथि भवन तैयार किया जा रहा है, जिसमें 5 दर्जन से अधिक कमरे, हॉल, सत्संग भवन आदि का निर्माण कार्य चल रहा है। श्री रामलीला सभा के सभापति जयंती प्रसाद अग्रवाल और अन्य पदाधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी दी। आज माननीय मंत्री जी यहाँ रामलीला सभा द्वारा स्वागत किया गया, जो पहली बार रामलीला सभा के दोबारा पुनः मंत्री बनने के बाद आए हैं, इनका सम्मान किया गया। इनके पूरे आशीर्वाद से रामलीला भवन का जब शिलान्यास हुआ तो इनके द्वारा किया गया और इनके द्वारा ये घोषणा की गई कि जो मैं शिलान्यास करता हूँ वो कभी काम रुकता नहीं है और उतनी तीव्र गति से चलता है। मैं देख रहा हूँ 22 नवंबर 2021 को माननीय मंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया, जो भव्यता का रूप लेते हुए आगे बढ़ रहा है। ये भवन 14 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। सारा इस भवन की जो लागत है वो सब दानदाताओं से है। शहर जितने हमारे दानी दानदाता हैं वो इस सबके वो हैं। आज रामलीला सभा की एक आम सभा की बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से हम सब लोगों को पदाधिकारियों का 3 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया तथा रामलीला भवन का जो निर्माण चल रहा है मैदान में उसका एक अलग से न्यास गठन की प्रक्रिया को आज स्वीकृति दी गई। आगामी भविष्य में इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और ये भवन 2.5 साल बनकर पूर्ण होगा। ठीक है, रामलीला भवन के जहाँ कार्यालय हमारा कैंप कार्यालय वही दानदाता और साफ पूर्व आगे डालने गए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आज केवल एक अन्नपूर्णा ग्रह बच रहा था उसमें पूरे में कितने बड़े थे, उसमें एक सज्जन आए यहाँ अभिषेक के बाद में उन्होंने कहा कुछ खाली हो, उसने कहा केवल अन्नपूर्णा ग्रह बचा है उनकी सेवा में। 4 लोग ऐसे हैं जो कमरे के लिए जो जबरदस्ती रुपया दे गए कमरा नहीं है, तो उनसे कहा गया कई और विशेष सेवाओं में आपका तो ऐसी स्थिति है, हमारी कृपा से यही करा रहे हैं। और ये जब रामलीला भवन और राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा मथुरा के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी धार्मिक क्षेत्र में, तो हमारे यहाँ बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसके जगह नहीं, हमारे यहाँ जो मंचन होते हैं लीला वगैरह उसके लिए जगह नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं। अभी हम जैसे रामलीला भवन मना रहे हैं तो जो जो अतिथि होंगे वह निवास भी करेंगे, कृष्ण उनके निकट है तो बराबर धार्मिक कार्यक्रम होते रहेंगे उसमें। साथ में जो बड़ा मैदान है जहाँ हम रामलीला का दर्शन करते हैं वहाँ बिल्कुल स्टेडियम का रूप देखा। आज हनुमान जयंती के अवसर पर श्री रामलीला सभा मथुरा द्वारा जो प्राचीन रामलीला सभा मथुरा की है 125 साल पुरानी है, चित्रकूट पर जो स्थान है राम जी का के सेवक हनुमान जी का मंदिर, राम जी का मंदिर और चित्रकूट पर जो पूरा परसे बना हुआ है, उसके बाद रामलीला मैदान में जो ठाकुर राम की कृपा से रामलीला भवन बन रहा है जिसमें राम मंदिर बनेगा और भक्तों की कृपा से ठाकुर जी की भक्तों की कृपा से और आज दानवीर जो हमारे हैं मथुरा के उन्होंने उस सबको बिना मांगे हुए देने पर आज राम जी की कृपा हुई है और राम जी की कृपा जब ही होती है जब हनुमान जी की कृपा होती है। आयोजन में आज हमारी रामलीला सभा की जनरल सभा की बैठक हुई थी जिसमें रामलीला के आगे उत्थान के लिए अच्छे अच्छे प्रस्ताव पास किए गए और इसी उपलक्ष्य में रामलीला मैदान में एक भव्य रामलीला भवन आपके सामने सम्मुख बन रहा है, उससे जो हमें आमदनी होगी वो उस मैदान में लगाई जाएगी। भविष्य में हमारा मैदान में एक स्टेडियम, एक ठाकुर जी की लीला करने का मंच और बढ़िया सुविधा लोगों को देने की योजना है। जो विभिन्न प्रकार के मेले होते हैं जैसे नवदुर्गा का मेला गया तो जब मैदान हमारा उत्थान हो जाएगा तो उसमें नवदुर्गा दुर्गा मेले का मेला का आयोजन करेंगे।